नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग पर राहत देने से किया इनकार। जहां दरअसल बता दे कि दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा हुआ है, जिसको लेकर लगातार सीबीआई और ईडी की टीम जांच कर रही है। एक बार फिर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार साफ तौर पर लगाई है। दरअसल ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से बचने के लिए देशमुख कई बार कई हथकंडे इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे, और इसी कड़ी में देशमुख की ओर से दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पर लगाई गई थी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की सुनवाई के दौरान देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया गया है। और साथ ही साथ सुरक्षा की मांग पर राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जहां कोर्ट ने सख्त लहजे में अनिल देशमुख को यह कहा है कि देशमुख मामले से बचने की कोशिश नहीं कर सकते, बल्कि साथ ही साथ देशमुख को जांच में सहयोग करने के भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जांच या परीक्षण पर रोक नहीं लगाई जाएगी, और अगर उन्हें आदेश में कोई समस्या होती है तो हम उन्हें औपचारिक आवेदन दाखिल करने का निर्देश देंगे। जी हां, कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी तरीके से कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है, और याचिकाकर्ता को सीआरपीसी में उपायों तक पहुंचने की स्वतंत्रता है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे, उन पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एंटिलिया केस सामने आने के बाद से ही शुरू हुई एनआईए की जांच के दौरान जो बड़े खुलासे महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ हुए थे, जिसमें परमवीर सिंह और सचिन बाजे का भी नाम साफ तौर पर सामने आने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ कई खुलासे परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर किए थे, जिसमें साफ तौर पर जिसके बाद उन आरोपों को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में जांच के आदेश सीबीआई को करने को कहे थे, जिसके बाद पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के आरोपों के आधार पर सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया था, फिर ईडी ने भी इसमें देशमुख के खिलाफ अपनी पूरी जांच, अपनी दायरा जांच के दायरे को बढ़ाना और इस पूरे मामले पर जांच करनी शुरू कर दी, जिसके बाद से ही लगातार अनिल देशमुख जांच से बचने के लिए तमाम तरह के पैंतरे अपनाने का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई से बचने को लेकर तमाम तरह के पैंतरे अनिल देशमुख इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अनिल देशमुख को कड़ी फटकार लगा दी है और सुरक्षा की मांग पर राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जी हां, दरअसल ये भी आपको बताते चले, पिछले दिनों जांच में घिरने के बाद ही इसी साल अप्रैल में अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदे शिंदे को ईडी की टीम हफ्ता वसूली पर के आरोप पर गिरफ्तार कर चुकी है, क्योंकि उन पर सरासर आरोप लगे थे कि देशमुख के ट्रस्ट के 4 मुखौटा कंपनियों के जरिए 4 करोड़ से ज्यादा की रकम डाली जाती थी, और इन सभी कंपनियों को ऑपरेशन दिल्ली में हालांकि दिखाया गया था, और ये रकम दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच में बार मालिकों से दरअसल जुटाई गई थी, जिसमें पलांडे और शिंदे का भी नाम इसमें शामिल था। हालांकि दोनों से लगातार लंबे समय से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो खुलासे बार बार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर जो संजीव पलांडे को बचाने की लगातार जो कोशिश की जा रही है, इसको लेकर भी कोर्ट में बार बार सुनवाई की जा रही है। लेकिन इसको लेकर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने भी साफ तौर पर पीएस संजीव पलांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई को 21 अगस्त के लिए हालांकि अभी हाल फिलहाल में टाल दिया था, जिसके बाद भी साफ तौर पर तमाम महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री जो इस तरह से इंटेलिया केस से लेकर
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल थे उन्हें हालांकि बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से पलांदे और शिंदे जो खास मोहरा माने जा रहे थे कि कैसे ट्रांसफर रैकेट से लेकर जो बड़े बड़े घोटाले के काम महाराष्ट्र में किए हैं उसमें साफ तौर पर पीएस पलांडे से लेकर शिंदे पर तमाम तरह के संगीन आरोप लगे थे, क्योंकि ये अनिल देशमुख के बेहद ज्यादा करीबी थे। और क्यों इन पर आरोप लगे हुए हैं और आखिर क्यों इनकी गिरफ्तारी हुई, दरअसल ये आपको बताते चलते हैं कि क्योंकि संजीव पलांडे लगभग 20 सालों से बड़े नेताओं के साथ में काम कर रहे थे और वो इस बार देशमुख के साथ पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर रहे थे। और इसी बीच जब मार्च के महीने में मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जो पत्र लिखा था जिसमें साफ तौर पर अनिल देशमुख के खिलाफ उगाही को लेकर तमाम बड़े खुलासे परमवीर सिंह की ओर से किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से उनकी ओर से पैसों की वसूली को लेकर जो बड़ा खुलासा किया था और किस तरीके से अपने खत में उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था कि देशमुख अपने सरकारी निवास यानी कि ज्ञानेश्वरी में मीटिंग लेकर पुलिस अधिकारी को हर महीने बार और होटलों में कम से कम 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश देते थे। और उन्होंने यह भी साफ तौर पर बताया था कि सचिन वाजे को देशमुख का संरक्षण मिला हुआ था। और सिंह ने यह भी साफ तौर पर खुलासा करते हुए कहा था कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार अपने आधिकारिक बंगले में भी बुलाया है और उगाही के आदेश दिए हैं और इस दौरान उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांडे भी वहां पर मौजूद हमेशा रहते थे। और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई जब भी मीटिंग जब भी देशमुख करते थे तो हर वक्त पलांडे उनके साथ में मौजूद होते थे, किस तरीके से ट्रांजैक्शन करनी है, कहां से किसे कितना पैसा भेजना है, तमाम जो जानकारियां थी ये शिंदे और पलांडे को होती थी। और यही बड़ी वजह दरअसल है कि शिंदे और पलांडे पुलिस की गिरफ्तारी में है, हालांकि लगातार उनसे इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से अनिल देशमुख अपने आप को बचाने में जो तुले हुए उनके मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईडी अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। हमने हाल ही में आपको तमाम रिपोर्ट में दिखाई थी कि कैसे अलग अलग जगह पर अनिल देशमुख के घरों पर ईडी की छापेमारी की गई थी और कैसे कई बार समन भेजने के बावजूद भी अनिल देशमुख अपनी पेशी में मौजूद होने से बचते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक करोड़ों की धांधली के खुलासे अनिल देशमुख के और उनके तमाम साथियों के हुए, दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार अनिल देशमुख को गिरफ्तारी का डर सता रहा है और किस तरीके से वो अपने आप को दंडात्मक कार्रवाई से बचा पाए इसको लेकर तमाम तरह के पैंतरे हालांकि अनिल देशमुख अपनाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बता दें जो भी हाल ही में साफ तौर पर ईडी की ओर से भी कई तरह के खुलासे किए गए थे कि किस तरीके से एक के बाद एक बड़े घोटाले अनिल देशमुख ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किए हैं, कि कैसे जांच में यह खुलासा साफ तौर पर हुआ था के जांच का दायरा बढ़ने के बाद कि देशमुख ने कई निजी बैंकों से भी बैड लोन भी लिया हुआ है, यानी कि ईडी को जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत साफ तौर पर मिले हैं जिसके अनुसार इन लोन को लेने के लिए लोन की प्रक्रिया के जो नियम होते हैं इनका भी साफ तौर पर उल्लंघन किया, यह भी सामने आया था। और इस बात की भी जांच की दरअसल की जा रही है लगातार कि अगर ये नियमों का उल्लंघन अनिल देशमुख की ओर से किया गया है तो आखिर किसके कहने पर और किस ने इन लोन को पास कराने में देशमुख की मदद की है। हालांकि ईडी के मुताबिक देशमुख ने लोन से मिली रकम को उन कंपनियों में ट्रांसफर किया है जिन पर देशमुख के परिवार वालों के मालिकाना हक है। और यह भी साफ तौर पर ईडी की जांच में सामने आया है कि उन्होंने इन कंपनियों को जांच तो की है लेकिन जिस तरीके से जांच में पता चला है कि कंपनियों में से कुछ ऐसे असली कंपनियां हैं और कुछ शेल कंपनी है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खड़ा किया गया है, जिन्हें पैसों की हेर फेर करने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को गलत जानकारी देकर शेल कंपनी बनाई गई है। जी हां, अब इन शेल कंपनी को लगातार ईडी जांच कर रही है कि इस रकम का आखिर क्या होगा और किसके किसके कहने पर इन रकमों का कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता था। जी हां, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार जब अनिल देशमुख को और महाराष्ट्र सरकार को यकीन हो चला है कि किसी तरीके से
अब जो ईडी का जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से सीबीआई भी एक के बाद एक तमाम आरोप और खुलासे अनिल देशमुख को लेकर करती हुई दिखाई पड़ रही है, ये बड़ी वजह है कि लगातार अनिल देशमुख अपने बचाव में अपने पूरे परिवार के साथ कभी गायब हो जाते हैं तो कभी अपनी तबीयत का हवाला देकर जांच की आग से बचने की हालांकि कोशिश वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि कई बार नोटिस पे नोटिस देने के बावजूद भी अनिल देशमुख लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसका आज जिक्र एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर सख्त लहजे में यह कहा गया है कि अनिल देशमुख को जांच में सहयोग करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो अहम खुलासे एक के बाद एक तमाम हो रहे हैं, जिस तरीके से ईडी की जांच का दायरा जो लगातार बढ़ रहा है और जो बड़े बड़े खुलासे बड़े बड़े महाराष्ट्र में जो घोटाले अब तक किए जाते हैं, इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर अनिल देशमुख को आज बड़ा झटका लगा है। लेकिन आपको बताते चलें कि अभी तो पूरी पोल पट्टी इन महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की खुलनी शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े खुलासे सीबीआई से लेकर ईडी करती हुई दिखाई पड़ रही है, ये बड़ी वजह है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव फूलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी बॉम्बे हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट का सहारा हालांकि लिया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया है। और यही बड़ी वजह है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख की मशहूरियत दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।